ये देखो गणेश बाबा है। ओहो उठा लेना मैडम। ओहो गया चला। अरे ओ दुटाई से मना मना आई लव यू गणेश बाबा। आज बुधवार। ओ सावन महीने की बारिश। मैं अपने खुद की प्लेन में हूँ। ये पार्टी में देखा ये मैं ये बेलकनी से बेलकनी में बैठ रहा हूँ और बेलकनी से ये चीज़ें बना रहा था। देखिए देखिए कितना बारिश हो रहा है। फीस फीस कर चल रही है। क्या करें मौसम खराब है। रोज ज़्यादा देने से भी तकलीफ होता है लोगों को, बारिश देने से भी तकलीफ होता है। क्या करें। सब लोग काम में आते जाते रहते हैं लेकिन क्या करें सब लोग फंस गया बारिश में। पानी हो गया। ये थोड़ा ये ज़्यादा बारिश होने से पानी हो जाता है रूट में और थोड़ा जब बारिश ख़त्म हो जाता है तब तो ये पानी निकल जाता है। कहाँ जाता है पता नहीं चलता लेकिन नहीं रहता रहता है रूट में। ये हमारा गाड़ी हमारा एरिया में गाड़ी आ गया, किसी और का गाड़ी आकर रह गया। इसे वो देख कर रहा था। ओ बारिश का मत लव। मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है लेकिन नीचे जाना पड़ेगा। मैं बहुत ऊपर हूँ बहुत ऊपर। इधर अभी जाने का मन कर रहा है नीचे लेकिन कैसे जाओ। घर के लोगों ने बारिश में भीगने के लिए मना कर रहा है ना। मैं 5 तला की ऊपर में हूँ। नीचे जाने के मन कर रहा है बारिश में भीगने के लिए। मुझे बहुत पसंद है लेकिन घर घर के लोगों ने नहीं जाने देते बीमार हो जाएगा ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं सुख सुख के बारिश में भीग जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मज़ा आता है। अभी मैं सुखे से बारिश में भीग कर आप लोग को दिखाऊंगी वीडियो बना। ठीक है ये देख रहा है कितनी बारिश हो रहा है। बारिश बहुत बड़ा बारिश हो रहा है। देखिए के दिन भर रात भर यहाँ मैं कहाँ कहाँ जाता है। सुबह शाम सारा रात भर इस रूट में गाड़ी गाड़ी गाड़ी। ओ मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है गाड़ी का आवाज़ सुन सुन कर। ऐसे रूट में घर होना अच्छा है लेकिन एक गाड़ी का जो आवाज़ ना रात भर सुनते सुनते दिमाग ख़राब हो जाता है। मुझे बहुत पसंद है वो जो एरिया होता है जहाँ जंगल होता है वो मुझे पसंद है। ये तो सिटी है ना, ये गुवाहाटी सिटी। यहाँ में तो होगा ही होगा गाड़ी पोल्यूशन कितना होता है।
प्रदूषण पोल्यूशन ये सब कुछ है। मुझे तो मेरा जो जॉब प्लेस है ना, वहाँ रहकर बहुत अच्छा लगता है। वहाँ में जंगल का एरिया है, अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ घर है, फ्लैट है, रेस्टोरेंट है, गुवाहाटी में सब कुछ है, इसलिए तो यहाँ रहना पड़ता है। क्या करूँ।